हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए भेजा है। अगर उसमें भगवान महावीर का चित्र नहीं होता
या कोई दूसरी सूचनाएं होंगी तो पुष्पगिरि सागर जी की इतनी शक्ति है कि उस पे अपने पैर रख देते और पूरा बता देते उस रूप के बारे में। लेकिन क्योंकि उसमें भगवान महावीर का चित्र था इसलिए वो सूक्ष्म में गए और दैवी शक्तियों की जो सरकार है उससे संपर्क किया और ये पता किया कि किसने ये संदेश भेजे हैं। बाद में हम हैरान रह गए कि जिस शक्ति ने वो संदेश भेजे थे उसका चित्र भी उसके अंदर था। हमारे पिछले जन्मों के और पिछले कर्म हमारे साथ हैं, उसी से हमारा भविष्य तय होता है और जो हम लोग अब करते हैं वो हमारे उन जन्मों के कर्मों में ऐड हो जाता है जिससे आगे का हमारा भविष्य तय होता है। इसलिए दैवी शक्तियों ने एक कॉस्मिक प्लान दैवी कार्यक्रम बनाया है जो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि दुनिया के सामने रखें। तो मैं भविष्यवाणियों की बात कर रहा था, आप लोगों में से कुछ को शायद पता हो नेपाल में एक शाही हत्याकांड हुआ था जिसमें नेपाल के राजा उनकी पत्नी उनके बच्चे सबकी हत्या हो गई थी। हम लोगों ने देखा कि नास्त्रदेवस 450 साल पहले उस घटना का सटीक विवरण कर रहे हैं तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें बताया कि ये तो प्रेस वालों ने कहा आगे क्या होने वाला है ये बताएंगे, तो हमने आगे होने वाली घटनाओं का भी जिक्र करके आगे होने वाली घटनाओं वो भी ठीक वैसे ही हुई तो जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि भारत में एक व्यक्ति हैं जिनको दैवी शक्तियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जो मनुष्य के भले के लिए कार्यक्रम दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि दैवी शक्तियों का यही संदेश हो सकता है। आप लोगों ने सर आइज़क न्यूटन का नाम सुना होगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उन्होंने भी दैवी शक्तियों पर 50 साल रिसर्च की और 50 साल रिसर्च करने के बाद 4000 पेजेस लिखे। उसमें भी ये जिक्र है कि युग परिवर्तन होगा और वो पीरियड भी अभी का है, यानी चाहे वैज्ञानिक हों चाहे दार्शनिक हों चाहे संत हों सबको एक ही संदेश मिल रहा है कि लगभग सन 2025 के बाद से दुनिया में एक स्वर्ण युग आएगा। पता नहीं हम लोगों में से कितने लोग रहेंगे, आप सब बच्चे हैं उस स्वर्ण युग को आप भोगेंगे, इसलिए आपको उसके बारे में कुछ समझना भी जरूरी है। जो संसार में दैवी शक्तियाँ हैं उनका एक केंद्र है, उस केंद्र का नाम शंभल है। शंभल का वर्णन दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों में है। शंभल हिमालय के पीछे है और धरती के नीचे है। शंभल पर सैकड़ों पुस्तकें हैं और इसरो के वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शंभल कहाँ है, लेकिन वो चूँकि धरती के नीचे है इसलिए सैटेलाइट से ऊपर की इमेज को आती है, नीचे का पता नहीं चलता। अब इनके अलावा एक आप लोगों ने सुना होगा कि धरती पर जब स्थिति बहुत खराब होगी तो भगवान विष्णु का एक रूप आएगा जिसको कल की अवतार कहते हैं। वो रूप आज से 700 साल पहले ब्रह्मेंद्र स्वामी के नाम एक संत के रूप में धरती पर अवतरित हो चुके हैं और उन्होंने उसी समय बताया था कि जब दुनिया में परिवर्तन होने वाला होगा तो मैं फिर आऊँगा। वही इस समय शंभल के राजा हैं। शंभल जैसा मैंने बताया हिमालय के पीछे धरती के नीचे दैवी शक्तियों का केंद्र है और वहाँ पर 100 साल में 7 व्यक्ति जा पाते हैं, उनमें से 6 लौट के आ जाते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, एक वहीं रह जाता है और दैवी शक्तियों की सरकार का सदस्य बन जाता है। हमारे हमें जो जानकारी मिली है उस हिसाब से सुभाष चंद्र बोस भी आज वहाँ हैं और वो भी भारत के भले के लिए वहाँ से संदेश भेज रहे हैं और उनके संदेश भी हम लोगों को मिलते हैं। ब्रह्मेंद्र स्वामी ने कुछ ऐसी भविष्यवाणी की थी, हमारी कोशिश है कि ब्रह्मेंद्र स्वामी पर एक फिल्म बने। एन टी रामाराव मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तब उन्होंने ब्रह्मेंद्र स्वामी पर एक फिल्म बनाई थी। आपको आश्चर्य होगा कि ब्रह्मेंद्र स्वामी ने बहुत सी भविष्यवाणियाँ की, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दिया और एक आज से 700 साल पहले एक पुस्तक लिखी जो काल ज्ञानम के नाम से मशहूर है। उस पुस्तक में एक श्लोक है कि कृष्ण के दृष्टि से जाने के 4999 साल बाद भारत में एक व्यक्ति का जन्म होगा जिसका नाम गांधी होगा, लोग उसको महात्मा
महात्मा कहेंगे और पूरे पूरे संसार के लिए एक युग परिवर्तन कारक व्यक्ति होगा। आज से 700 साल पहले ये बात दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने उनके शोधों का विश्लेषण किया तब पता चला और उन्होंने ये कहा कि दुनिया को एक समय मेरी जरूरत पड़ेगी, तो भगवान विष्णु के अवतार की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं तब फिर आऊँगा और दुनिया की समस्याएं हल करूँगा और उनके आने के जो संकेत दिए गए हैं वो संकेत 1992 में पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति दुनिया में आ चुकी है और ये जानकारी पुष्पगिरि सागर जी को भी है, हम लोगों को भी है। मेरे पास कोई नया चित्र आता है कागज़ पर, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ भगवान कृष्ण का एक चित्र है जो भगवान का, यहाँ पर एक शैतान का चित्र है, एक शैतानी शक्ति है। यहाँ पर भगवान है, उनके हाथ में एक तोता है। तोता श्रीमद् भागवत जो है आचार्य सुखदेव ने लिखी थी उनका सिंबॉलिक चित्र, उसके हाथ में एक पुस्तक है जो श्रीमद् भागवत है। यहाँ पर आप देखेंगे एक आदमी है जिसकी पीठ भगवान की तरफ है और वो शैतान की तरफ खींचा चला जा रहा है। उसके एक हाथ में एक शराब का प्याला और बोर्ड, यानी एक इंसान वासनाओं के चक्कर में शैतान की तरफ बढ़ा चला जा रहा है, पीठ उसकी भगवान की तरफ है। और इस तरह के बहुत से चित्र मेरे पास आ चुके हैं। अब इस हिसाब से जो भविष्यवाणियां की गई हैं उनमें एक कुछ विनाश धरती पर हो सकते हैं लेकिन वो विनाश अवॉइड भी किए जा सकते हैं। मैंने आपसे ब्रह्मेन्द्र स्वामी जी का जिक्र किया, उन्होंने एक विनाश की चर्चा की है जिसके हिसाब से 15 फरवरी 2013 को एक पुल का खंड धरती से टकराना था और उससे भारत में और कई देशों में बहुत बड़ा विनाश होता और अगर वो टकरा जाता तो शायद आज हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। भारत का इतना बड़ा विनाश होना था उसमें कि हमारा पूरा ईस्ट कोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता, करोड़ों लोगों को, सिर्फ भारत में नहीं और देशों में भी। लेकिन ब्रह्मेन्द्र स्वामी ने एक मंत्र भी दे रखा था कि इस मंत्र को आप 12,000 बार पढ़िए तो रक्षा होगी। तो हमने बहुत कोशिश की सब तरफ कि ये मंत्र दुनिया के सामने जाए और भारत के लोग पढ़ें, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि साहब अगर ये बात लोगों को कहेंगे तो हम भी पागल समझे जाएंगे, आप भी पागल समझे जाएंगे, आप खुद इसको करिए। तो मैंने अपने मंदिर में सफ़ेद कागज रख दिया और वो मंत्र बांट लिया कि अभी उस धूमकेतु के धरती से आके टकराने के 40 दिन बाकी हैं, तो मैंने 30 दिन में 12,000 मंत्र पढ़ने थे, तो 400 मंत्र रोज पढ़ता था। तो जहाँ पहले ने भी मंत्र पढ़ा कागज़ पर ब्रह्मेन्द्र स्वामी की तस्वीर आ गई, इसका मतलब है कि उनका आशीर्वाद था। हमने 12,000 बार मंत्र पढ़े और इस बीच नासा ने डिक्लेयर किया कि धूमकेतु धरती की तरफ बढ़ रहा है और वो 15 फरवरी 2013 को धरती से टकरा सकता है या बच के निकल सकता है। ये चीज़ जो ब्रह्मेन्द्र स्वामी 700 साल पहले लिख रहे थे वो नासा ने कन्फर्म कर दी। हमने संदेश भेजा, 12,000 बार वो मंत्र पढ़ा और देवी शक्ति को संदेश भेजा कि ये बच के निकल जाए, धरती बच जाए। अगर आप चेतावनी देना चाहते हैं कि मनुष्य स्वार्थ में है, उसे देवी कार्यक्रम अपनाना चाहिए, ये चेतावनी देना चाहते हैं तो किसी और तरह दे दें, ये संदेश मैंने भेज दिया। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, देवी शक्तियों ने दूसरा पुल का खंड उससे टकरा दिया। ये सब हिस्ट्री टीवी चैनल में दिखाया गया, उससे वो डिफ्लेक्ट हो गया और धरती को छूता वो निकल गया, यानी पूरा विनाश बच गया। और उससे जो टकराया गया था दूसरा उल्काखंड, उससे टुकड़े उस कॉमेट के गिरे, रूस में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास गिरे। चेतावनी भी दे दी गई कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खतरनाक हो सकते हैं और हम लोग को ज्ञान दिया गया है कि किस तरह उनको सेफ बनाया जा सकता है। तो ये इतना बड़ा चमत्कार हम लोगों के माध्यम से करवाया गया इसीलिए कि हम कॉस्मिक प्लान यानी दैवी कार्यक्रम दुनिया के सामने रख सकें।
उस कार्यक्रम के कुछ हिस्से एक तो वाटर पॉल्यूशन, पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता चला जा रहा है और खासतौर से न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो पानी समुद्र में जा रहा है उससे कुछ वैज्ञानिकों का ख्याल है कि 30 साल बाद दुनिया के हर व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। उसका इलाज हमें दैवी शक्तियों ने बताया है, वो हमने सरकार को भी भेजा है और हम उसको दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इस समय यानी जुलाई 2014 के बाद भगवान एक ऐसा कार्यक्रम चालू करेंगे जिससे सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। वो कार्यक्रम भी चालू हो चुका है। आज दुनिया में, भारत में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं, जो लगभग 1,000-1,500 रुपये लेके आपके ब्लड की पूरी रिपोर्ट दे देती है। उसमें ये भी पता चल जाता है कि आपको क्या रोग हो सकता है, आगे चल के क्या हो सकता है और उसके इलाज भी हम लोगों को पता चल गए हैं। तो हम सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों के ऐसे इलाज किए जाएं, पहले जो उनकी जांच की जाए उनको बताया जाए। उसमें कोई दवा की जरूरत नहीं है, खाने पीने में ही परिवर्तन करके आप अपने को हमेशा स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान कुछ ऐसा करेंगे कि बच्चे ही स्वस्थ पैदा होने लगेंगे। इस पर भी रिसर्च हो चुकी है और कुछ होम्योपैथी के साइट्स हैं जिसका पूरा विकसित हो चुका है कि जैसे ही कोई बच्चा माँ के गर्भ में आए वो साइट्स लेना शुरू करते हैं तो बच्चा गर्भ में ही स्वस्थ हो जाएगा। इसका मतलब है श्रीमद् भागवत वगैरह में लिखी हुई बातें एक एक करके सही हो गई। एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दूर, सरकार उसके बारे में कोशिश कर रही है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए हम लोगों को भी देवी शक्तियों ने कुछ कार्यक्रम बताए हैं। वो हमने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजे थे, आगे उन्होंने सरकार को प्रेषित कर दिए हैं और समय आने पे उन पर भी काम होगा। तो इतने बेरोजगारी दूर के इस समय दुनिया के सामने और भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 16 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, मतलब तो उनके पास सही रोजगार नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की आबादी 16 करोड़ नहीं है, तो भारत में इतनी बड़ी समस्या कैसे हल होगी, ये सिर्फ दैवी शक्तियाँ कर सकती हैं। और उन्होंने उसका एक कार्यक्रम जिसके सूत्र हमें बता दिए हैं और लोगों को रोजगार मिल गया, काम के सब लग गए, तो ये जो टेररिज्म है, धार्मिक असहिष्णुता है, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। ये खुराफाते तभी तक है जब तक लोगों के पास काम नहीं थे। इस बारे में एक दैवी शक्तियों ने एक काम और किया, मुझे पता भी नहीं था। आप सबने नोबेल प्राइज के बारे में सुना है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, लेकिन बम्बई में एक कार्यक्रम हुआ, वहाँ एक जोरोस्ट्रियन कॉलेज है, उसका कन्वोकेशन था, उसको मुझे भाषण देने के लिए बुलाया गया। तो मैंने बताया कि मेरे पास दैवी शक्तियाँ चित्र भेजती हैं। तो वहाँ एक जर्नलिस्ट महिला बैठी हुई थी, उसने कहा क्या सचमुच आपके पास दैवी शक्तियों के चित्र आते हैं? मैंने कहा हाँ, ये IIT कानपुर वगैरह सर्टिफाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा साहब फिर तो आपको टेम्पेटन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। मैंने कहा ये क्या है? उनका ये नोबेल प्राइज से कई गुना बड़ा प्राइज है और उसकी प्राइज मनी 10 करोड़ रुपए है। अगर आपके पास वाकई आते हैं तो आपको नॉमिनेट कर सकते हैं। उन्होंने मेरा नॉमिनेशन कर दिया और नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी हो गया। अब वो इनाम मिलता है या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन उससे मुझे इतनी प्रसिद्धि मिल गई कि बहुत से लोगों को पता चला और वो इस पर आगे काम करने के लिए तैयार हो गए। करना है तो मैं अगर बताना शुरू करूं तो 10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन एक घटना बतानी जरूरी है। दुनिया में एक देश है इसराइल, जिसको हमेशा खतरा रहता है कि अरब कंट्री उस पर हमला कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसराइल को ये पता चला कि भारत में एक व्यक्ति अशोक घई है जिनको दैवी शक्तियों के संदेश मिलते हैं और उनको भविष्य भी बताया जाता है। तो उन्होंने एक प्लान रचा, वो सीधे मेरे पास आ जाते तो मैं उनको बता देता कि इसराइल का क्या भविष्य है, लेकिन उन्होंने अमेरिका में एक रेडियो साइट, वेबसाइट, कंप्यूटर पे इसलिए
दृष्टि, उसका नाम था wiseofambition.com। उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए एस्टेब्लिश करने में, बम्बई में उसके होर्डिंग्स लगवाए और ऐसे इंटरव्यूअर्स एंगेज किए, इंटरव्यू लेने वाले जो इंटरव्यू लेते थे देशों के प्रधानमंत्रियों के और राजाओं के और प्रेसिडेंट्स के, मतलब वो लाखों रुपये चार्ज करते होंगे, उन्होंने उनको एंगेज किया। रतन टाटा का इंटरव्यू लिया, अजीम प्रेमजी का इंटरव्यू लिया, नंदन नीलकणी का इंटरव्यू लिया, फिल्म एक्ट्रेस शबाना आजमी का इंटरव्यू लिया और वो सब अपनी साइट पे डाल दिए, रेडियो साइट उसको कहते थे। और उस साइट पे सिर्फ भारतीयों के इंटरव्यू थे। जब इतना सब हो गया तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि साहब देखिए हमारी साइट पे इतने लोगों का इंटरव्यू है, हम आपका इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं। मैंने इंटरव्यू दे दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये पूछ लिया कि कोई भविष्य में होने वाली घटना बताइए, आप नासिर जमस को अध्ययन करते हैं उससे। मैंने एक बहुत बड़ी घटना बताई और वो मेरे इंटरव्यू के 15 दिन बाद घट गई। उन्होंने फिर मुझे मैसेज भेजा कि साहब बधाई हो, आपकी भविष्यवाणी सच हो गई, अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्या इसराइल देश को अरब कंट्रीज डिस्ट्रॉय कर देंगे? तब मेरी समझ में आया कि ये सारा प्रपंच इसलिए रचा गया है कि वो मुझसे पूछना चाहते हैं कि इसराइल का क्या भविष्य है। मैंने वो भी भेज दिया और वो भी सही निकला। तो ये सब जो है दैवी शक्तियों के कार्यक्रम हैं जो हम लोगों को वो संदेश दे रहे हैं जो हमें दुनिया के सामने रखने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो फिल्म आप बना रहे हैं वो यूट्यूब पे और सब जगह जाएगी और उससे दैवी कार्यक्रम दुनिया के सामने आ जाएगा। एक और घटना मुझे याद आती है, करीब आज से शायद 20 साल पहले इंग्लैंड के लिए टूरिस्ट का ग्रुप तिब्बत गया था। तो तिब्बत में महात्माओं ने बताया कि दुनिया पर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसके लिए दैवी शक्तियां अपने आप को प्रकट कर देंगी, लेकिन प्रकट तो धीरे धीरे करेंगी, ऐसा ना हो उसे पैनिक फैल जाए दुनिया में। मान लीजिए दैवी शक्तियां किसी उड़नदस्ती पर बैठ कर आ गई, दुनिया के देश तो समझेंगे किसी एलियन ने हमला कर दिया और उस पर ही हमला में करना शुरू करते हैं। तो हमने को जो संदेश मिल रहे हैं ये उसी क्रम का हिस्सा है कि धीरे धीरे करके दैवी शक्तियां अपने आप को प्रकट कर रही हैं। और इसके बारे में एक और चीज बताऊँ आपको कि किस तरह भविष्य पहले से तय है। जब इन दैवी शक्तियों को हजारों साल पहले से पता था कि कब ऐसी स्थिति आएगी जब दुनिया को एक बहुत मजबूत लीडर की जरूरत पड़ेगी, मदद की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने एक मूर्ति बनाई और वो मूर्ति 5,000 साल पहले बना के रख दी गई। जब 800 साल पहले हड़प्पा में खुदाई हुई तो मूर्ति मिली। उस वक्त जांच की तो पता चला कि ये मूर्ति नरेंद्र मोदी की है, 700-800 साल पहले हड़प्पा की खुदाई में मिली। तो इसमें आप देखिए हुआ ये था कि नरेंद्र मोदी संन्यास लेने जा रहे थे, वो अपने आश्रम पहुंचे तो वहाँ गुरु जी ने बताया कि नहीं, दुनिया में आपका काम है, आप संन्यास मत लीजिए। और उन्हें एक सलाह दी कि आप छोटी छोटी दाढ़ी रखिए। ये उस सलाह में उन्होंने छोटी छोटी दाढ़ी रखी और ये देखिए वो जो मूर्ति है उसके भी छोटी छोटी दाढ़ी है। या तो आपको मूर्तियों में बड़ी लंबी दाढ़ी जैसी तपस्वी रखते हैं स्वागत हैं या क्लीन शेप मिलेगा, ऐसी आपको एक ही मूर्ति मिलेगी। यानी नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भी देवी शक्तियों के कार्यक्रम में तय था, नोटबंदी और इस तरह के काम ला सके। और हमें उम्मीद है कि 2025 तक वो देश को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे और सारी समस्याएं हल करेंगे। दूसरी चीज़ हमने महसूस की जो दैवी शक्तियाँ हैं वो हम लोगों की इंटेलिजेंस को टेस्ट करती है कि क्या ये मनुष्य जाति अब इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि हमारे कार्यक्रम को समझ के आगे बढ़ा सके या इनको कुछ झटके देने की जरूरत है। एक दफ़ा मेरे मंदिर में रखे कागज़ पर सूर्य की तस्वीर आई और केतु की तस्वीर आई। इसका मतलब था कि जब सूर्य केतु मिलेंगे तो कोई घटना होगी। उस समय जब सूर्य केतु से मिला तो अफगानिस्तान का एक पूरा शहर भूकंप में मटिया में डूब गया। हम उस शहर को तो बचा नहीं सकते थे, हमें पता भी नहीं था, लेकिन हमें बार बार ये सूचनाएं दी जा रही हैं इसलिए कि आपके सुपुर्द जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको आप उसे करते रहिए। वो हमें सूत्र बताते हैं, ये निश्चित अभिमत है हमारे ग्रंथों में कि दैवी शक्तियाँ हमें सिर्फ फार्मूले बताती हैं,
पाठ्यक्रमों का विकास करके कार्यक्रम बनाना, उनको लागू करना, वो हम इंसानों का काम है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ तो कम से कम इस कार्यक्रम में अपना योगदान देंगे, जिससे मनुष्य गोल्डन पीरियड में जा सके। और गोल्डन पीरियड में आप सभी जाने वाले हैं, तो ये कार्यक्रम आप सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें मैं कहूँगा अजीत जी से कि अभी एपिक चैनल से आया था एक इंटरव्यूअर, तो यहाँ के बारे में जानकारी लेके गया है, उनको ये वीडियो या और जानकारी दे दें ताकि उधर से पढ़े। पुष्पन सागर जी ने राष्ट्रीय फिल्म्स को भी मैसेज भेजा था, उनको भी मैसेज भेज सकते हैं और सब लोग ईमेल भेज सकते हैं। और मैं एड्रेस दूंगा टेम्पलेटर अवार्ड के लिए, जो मेरा नॉमिनेशन हुआ है उसमें भी बहुत से लोग उस ईमेल को, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये लिख दें कि हमारे हिसाब से भी अशोक घई को देवी शक्तियों के संदेश मिल रहे हैं, इसलिए उनको ये पुरस्कार मिलना चाहिए, जिससे ये काम आगे बढ़े। आखिरी पिक्चर जो मेरे पास आई थी वो 2014 में आई थी। उसमें उस तस्वीर में सबसे पहले एक हार्ट की तस्वीर, हृदय की तस्वीर अपीयर हुई। इसका मतलब ये था कि आदमी अपने दिल की बात सुने तो वो भगवान की बात होती है। दिमाग पे भगवान और शैतान दोनों का कब्जा होता है, इसलिए आप सही जज नहीं कर सकते, अपने दिल की बात सुनिए। इस पर सैकड़ों विद्वानों की पुस्तकें, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्ट, हृदय का, इसलिए हमारे कागज पे दिल की तस्वीर भेजी गई। उसके बाद एक छोटी सी तस्वीर आई, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की थी, उस समय वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद एक थोड़ी उससे बड़ी तस्वीर आई, जो जिसमें एक व्यक्ति के सर पे ताज रखा जा रहा था। ये 2014 चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उससे कुछ महीने पहले आई थी। इसका मतलब था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके साथ ही एक तस्वीर और आई, मैं हैरान रह गया, वो मेरी तस्वीर थी। मैंने कागज पे जो शीशे में देखा तो इसका मतलब था कि ये संदेश था कि इस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, आगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब आपको ये दैवी कार्यक्रम दुनिया के साथ